और चीन ने भारत को सख्त वार्निंग दे दी। चीन का कहना है कि भारत माजी में होने वाली बदतरीन शिकस्त से सबक सीखे, भारत सिक्किम सेक्टर पर चीनी हदूद से फौरी अपनी फौज को निकाले। कंट्रोल लाइन के बाद चीनी सरहद पर इश्तियाल अंगेजी भी भारत को महंगी पड़ गई। सरहदी इश्तियाल अंगेजी पर चीन ने भारत को सख्त वार्निंग जारी कर दी। चीनी फौज के तर्जुमान ने बीजिंग में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत सन 1962 की जंग में अपने हशर से सबक सीखे और जंग का राग अलापना बंद करे। वो भारतीय आर्मी चीफ के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत चीन पाकिस्तान और दाखिली मसाइल से निपटने के लिए तैयार है। चीनी फौज के तर्जुमान का कहना था कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान या इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी सरबराह को चीन से मिलने वाले तारीखी सबक से सीखना चाहिए। चीनी तर्जुमान ने मजीद कहा कि सिक्किम सेक्टर में भारतीय फौज ने चीनी हदूद में दाखिल होकर वहाँ मामूलाती जिंदगी खराब करने की कोशिश की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। उन्होंने वाजे किया कि भारत के साथ उस वक्त तक बातचीत शुरू नहीं की जाएगी जब तक उसके फौजी इलाका खाली नहीं कर देते। जिस इलाके में ये तनाज़े शुरू हुआ है वो चीन और भूटान की सरहद पर वाक़े है और इसके साथ भारतीय सरहद मुंसलिक है। और